हेलो दोस्तों, पीयूष जीएस एनालिसिस सेंटर में आपका स्वागत है। देखिए, आज का टॉपिक लेकर आया हूँ G20 जो प्रेसिडेंसी भारत में होने वाला है, G20 2023 में। तो दिसंबर में जो हमें मिला था 1 दिसंबर को, और अभी तक क्या कितना प्रोग्रेस है, क्या है, किस तरह से है। अभी बहुत सारे मीटिंग चल रहा है वर्किंग ग्रुप का अलग अलग शहर में, तो हम देखेंगे कि किस तरह से अभी प्रोग्रेस हो रहा है G20 में, और क्या क्या होता है G20, होता क्या है, G20 किसको बोलते हैं, इसका क्या है, और ये किस लिए जाना जाता है। तो देखिए, इसका ओवरव्यू पहले देखते हैं। देखिए, ये G20, इधर देखिए, G20 का होता है दोस्तों, ये 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन को मिलाकर G20 बोला जाता है। देखिए, जिसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, मैक्सिको, साउथ अरबिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की, यूके, यूएसए और यूरोपियन यूनियन, ये ठीक है। तो इनको मिला के हमें इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं G20 बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये जो G20 है वो इंटर गवर्नमेंटल फोरम होता है। इंटर गवर्नमेंटल फोरम का मतलब होती है कि बहुत सारे देश के जो आपके जो बड़े हेड हैं वो आपस में मिलते हैं, और उसके बाद समिट होती है। इस पर बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कस किया जाता है। फाइनेंशियल ट्रैक, फाइनेंशियल के लिए एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और फाइनेंस क्राइसिस के लिए, जो अभी कोविड के बाद किस तरह से फाइनेंशियल क्राइसिस वर्ल्ड में हुआ था, तो ये सब चीज़ों के लिए। तो देखिए, इसका जो 1999 में ये संगठन जो बना था, ये 1999 में संगठन बना था, और ये एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था 1999 के आसपास। तो उस समय हमें ज़रूरत पड़ी ऐसा एक ग्रुप का, जो कि इस पर डिस्कस किया जाए कि जो फाइनेंशियल, ग्लोबल फाइनेंशियल है, जो अर्थव्यवस्था है पूरी विश्व का, वो किस तरह से इसको आगे लेकर जाया जाए, कैसे ठीक किया जाए, कहाँ पर लैक है, कहाँ पर कमजोरियाँ है, उसको किस बेहतर तरीके से रेगुलेट किया जाए, इसके लिए G20 का गठन हुआ था। अब देखिए, G20 समिट का दो रूप है दोस्तों। G20 है ना, वो दो है, एक फाइनेंशियल ट्रैक है, दो तरीके का इसमें ना G20 में दो तरीके का है, एक फाइनेंशियल ट्रैक बोला जाता है, एक शेरपा ट्रैक बोला जाता है। देखिए, फाइनेंशियल ट्रैक में ना फाइनेंस के जो आर्थिक नीतियों का ना इसमें डिस्कशन होती है। इसमें कौन कौन मिलता है, इसमें फाइनेंस मिनिस्टर, सेंट्रल बैंक, और सेंट्रल बैंक का जो गवर्नर होते हैं, जैसे RBI हमारा सेंट्रल बैंक, इंडिया का सेंट्रल बैंक है, ऐसे ऐसे G20 ये पूरे जो 19 कंट्री और एक यूरोपियन यूनियन को मिलाकर G20 बना है, तो उनके जो सेंट्रल के जो हेड होंगे, गवर्नर होंगे, जैसे RBI का गवर्नर हमारे देश में है, तो उनको मिला के क्या किया जाता है, ये फाइनेंशियल ट्रैक, इस पर डिस्कशन होती है फाइनेंशियल ट्रैक पे। दूसरा होता है शेरपा ट्रैक, जिसमें ना 13 वर्किंग ग्रुप होता है दोस्तों, और दो इनिशिएटिव होती है, 13 वर्किंग ग्रुप होती है, अलग अलग वर्किंग ग्रुप होती है, वहाँ पर अलग अलग चीज़ों पे वुमेन एम्पावरमेंट, इस तरह से हमारे क्लाइमेट चेंजेज और इन पर डिस्कशन होता है। शेरपा जो हमारे अभी जो कि 2023 में भारत के पास प्रेसिडेंसी आया है, भारत प्रेसिडेंट है उसका, तो अभी अमिताभ कांत जी हैं वो भारतीय शेरपा हैं, हमारे शेरपा जो हैं वो अमिताभ कांत जी हैं। और देखिए, अभी बहुत सारे वर्किंग ग्रुप का समिट हो रहा है, तो हम इसको पूरी लेकर आएंगे और पूरी चीज़ देखेंगे, कहाँ पर कौन सा समिट हुआ था अभी रिसेंट, और उसका क्या उद्देश्य था, और उसका आगे क्या है प्लान इसके करना है। देखिए, इसके अलावा एक और चीज़ है जो इंगेजमेंट ग्रुप बोला जाता है, ठीक है ना। इंगेजमेंट ग्रुप में क्या होती है ना, जैसे सिविल सोसाइटी है, पार्लियामेंट्रियन है, थिंक टैंक है, वुमेन है, यूथ है, लेबर है, बिजनेस और रिसर्चर्स, ये क्या करते हैं ना, ये लोग बड़े, जैसे बड़े सिविल सोसाइटीज जो हैं, जो हमारे MP हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत सारे थिंक टैंक होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, वुमेन जो है ना वो पार्टिसिपेट करते हैं, यूथ है, लेबर है, बिजनेस है, रिसर्चर है, ये लोग क्या करते हैं इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और ये लोग करते क्या हैं, डिस्कस होता है बहुत सारे चीज़ों पे, और बहुत सारे इनिशिएटिव लेना होता है, जैसे वुमेन के लिए कोई इनिशिएटिव लेना हो, यूथ के लिए आगे चल के हम आगे के सदी में किस तरह से हम अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। और जो भारत में इसी इंगेजमेंट ग्रुप का एक नया इनिशिएटिव जो भारत में फर्स्ट टाइम हो रहा है, वो स्टार्टअप 20 इंगेजमेंट ग्रुप का, स्टार्टअप 20 इंगेजमेंट ग्रुप का भी इनिशिएटिव हो रहा है। और ये क्या है, स्टार्टअप इंडिया का जो कंसेप्ट है ना, किस तरह से स्टार्टअप को बढ़ाया जाए यूथों में, ठीक है, इसके लिए ये इनिशिएटिव हो रहा है। तो इधर देखते हैं, जो
G20 का मिला था भारत को। तो देखिए इधर देखते हैं, अब जो G20 का जो प्रेसिडेंसी मिला था भारत को, तो प्रेसिडेंसी मिलने का क्या क्या कारण क्या है, उसके आगे का प्रोसेस क्या है, अब भारत में क्या होने वाला है आगे। तो देखिए पहले तो इसको थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं। ये है इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी जो 1 दिसंबर 2022 को मिला था बाली में, पहले इसके पहले इंडोनेशिया में हुआ था बाली में, उसके बाद भारत ने इसको टेक ओवर किया प्रेसिडेंसी को, और इस साल के लिए 2023 के लिए प्रेसिडेंसी भारत के पास रहेगा। ठीक है, तो जितने वर्किंग ग्रुप होगी, जितने वर्किंग ग्रुप का यहाँ पर समिट होने वाला है, और ये देखिए ये वीडियो दो पार्ट में आने वाला है। पहला पार्ट तो ये जो ओवरव्यू है, उसके बाद देखेंगे जितने भी समिट हुआ है और समिट में क्या क्या अलग अलग जगह पर वर्किंग ग्रुप का जो समिट हुआ है उसमें देखेंगे हम क्या उसका रिजल्ट निकल के आया है, किस बात पर डिस्कशन हुई है। दूसरी बात, इंडिया G20 प्रेसिडेंसी 1 दिसंबर 2022 को जो भारत को मिला था, देखिए लोगो क्या है। लोगो है ये, देखिए ये थोड़ा सा पूरा क्लियर नहीं है, इसमें तीनों कलर है भारत का, जो तिरंगे में तीनों कलर है। G20 ऐसा लिखा गया है, ये है अर्थ और ये कमल का फूल है दोस्तों, ठीक है, और नीचे लिखा गया है भारत 2023, ये हमारा लोगो है। प्लैनेट जो अर्थ है विथ लोटस, जो ये हमारा लोगो है, याद रखिएगा। थीम क्या है, वसुदेव कुटुम्बकम, ठीक है ना, वसुदेव कुटुम्बकम, और इसको आगे और बोल सकते हैं वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। और ये वसुदेव कुटुम्बकम जो हमें लिया गया है, ये है महाउपनिषद से लिया गया है, ठीक है। और ये थीम कहने का मतलब क्या है, इस थीम का कहने का मतलब क्या है, इसकी मीनिंग है, और मीनिंग ये है, ये कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ ऑल लाइफ, ह्यूमन एनिमल्स, प्लैनेट, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर इंटरकनेक्टनेस ऑन द प्लैनेट अर्थ इन द वाइडर यूनिवर्स। देखिए इसका कहने का मतलब है द वैल्यू ऑफ ऑल लाइफ ह्यूमन, चाहे इंसान हो, एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, इनके बीच में अर्थ में किस तरह से कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, ठीक है ना, और इनकी क्या वैल्यू है अर्थ पे, इसको महाउपनिषद से लिया गया है वसुदेव कुटुम्बकम का, ठीक है। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, इसकी थीम है हमारे 2023 के समिट का, ठीक है। अब देखिए इसमें जो होने वाला है वो करीब करीब 200 मीटिंग होगा 50 अलग अलग शहरों में, अलग अलग वर्किंग ग्रुप का इसमें जो होगा मीटिंग होगा, समिट होगा। हम इसको कल्चर को भी बढ़ावा दे रहे हैं, तो हम अलग अलग जहाँ जहाँ पर भी हम जाएंगे, जैसे खजुराहो जाएंगे तो वहाँ पर खजुराहो में जो समिट होगा, हम खजुराहो टेंपल दिखाएंगे, अपने कल्चर को प्रमोट करेंगे, अपने टेंपल को दिखाएंगे, अपनी संस्कृति सिविलाइजेशन को, ठीक है ना। 32 डिफरेंट वर्क स्ट्रीम में अलग अलग 200 जगहों पर मीटिंग होगी और 50 शहरों में होगा, ठीक है। देखिए ये लाइफ है ना, ग्लासगो में जो समिट हुआ था COP26 में, इसमें मोदी जी ने हमारे निकाला था ये लाइफ, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट दोस्तों, और ये हमारा एक तरीके का ये भी एक थीम ही है ये पूरी की पूरी समिट का। और अमृतकाल है ये, अमृतकाल का मतलब देखिए, हमारा जो आज का बजट भी इस साल का आया था अमृतकाल के लिए, जो 75 साल हो गए हमारी आज़ादी का, नेक्स्ट जो 25 साल हम अपने देश को आगे की तरफ जो लेकर जाएंगे, उस 25 साल का जो हमारा टारगेट है, इसको अमृतकाल बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए स्पेशल इनवाइटी, हमने क्योंकि हमारी प्रेसिडेंसी है, तो हमारी प्रेसिडेंसी होने के नाते हमने कुछ लोगों को इन्वाइट किया है जो G20 में नहीं है, और उनके अलावा उनको क्या है, उनको गेस्ट एज ए गेस्ट बुलाया गया है, जैसे बांग्लादेश को, इजिप्ट को, मॉरिशस को, नीदरलैंड को, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और UAE, ये इतने सारे देश हैं जो एज ए गेस्ट आएंगे G20 में। अब देखिए हमारी प्रायोरिटी क्या है, हम G20 जो कर रहे हैं, जो भारत क्या सोचता है इसके बारे में, तो देखिए हमारी 6 प्रायोरिटी है और हम 6 चीज़ों पर बड़े फोकस करके चलते हैं, ठीक है ना। देखिए ग्रीन डेवलपमेंट और क्लाइमेट, फाइनेंस एंड लाइफ, हमारा सबसे पहला मुद्दा जो है हमारे देश का, और जो G20 का जो हमारी प्रायोरिटी है, इंडिया की जो प्रायोरिटी है G20 में, वो ग्रीन डेवलपमेंट की बात करते हैं। हम जितने भी
फ्यूल को हटाने के, उसके बाद हम किस तरह से नॉन फ्यूल सब्सटेंसेस को आगे बढ़ाया जाए, ठीक है ना। तो ग्रीन डेवलपमेंट की बात हो रही है, मैं ऐसी इकोनॉमी की बात हो रही है जो ग्रीन इकोनॉमी हो, ठीक है। अब देखिए, एसिलेटेड इंक्लूसिव एंड रेजिलियंट ग्रोथ, ऐसा ग्रोथ होना चाहिए जो इंक्लूसिव है। इंक्लूसिव का मतलब होती है समावेशी, समावेशी में मतलब हर चीज़ से ग्रोथ हो, ऐसा नहीं हो कि एक चीज़ पर ग्रोथ हो रहा है, वो ओवरऑल ग्रोथ की बात हो रही है। तो इंक्लूसिव एंड रेजिलियंट ग्रोथ की बात है, तो इस पर हम फोकस करेंगे, ठीक है। फिर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, हम 2030 के एजेंडा इसमें रखने वाले हैं कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो एजेंडा है उसको कैसे फुलफिल किया जाए, हम इसको कैसे इसको बड़ी तेज रफ्तार में इसको बढ़ाया जाए और इसको फुलफिल किया जाए, ठीक है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिजिटल पब्लिक इंफ्रा की बात है, देखिए जो हमारी टेक्नोलॉजी के किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हो जल्दी से जल्दी, और डिजिटल की तरफ जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो रही है, हम जैसे बहुत सारे 5G लॉन्च, 6G लॉन्च, किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, IoT को कैसे बढ़ाया जाए, तो हम डिजिटल अपनी टेक्नोलॉजी को बड़ी फास्ट ग्रोथ रेट से, क्योंकि ना आने वाले समय में टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी है और टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी, तो हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, इसको बढ़ाने की बात है। देखिए, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूट फॉर 21st सेंचुरी, ऐसे जैसे यूएनओ में भारत ने बोला कि यूएनओ को रिफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है, तो हम ऐसे ऐसे जितने भी इंस्टीट्यूट है पूरी वर्ल्ड में, तो उनका ना जो 21st सेंचुरी के लिए लायक है, ऐसा नहीं है कि जो दशा चल रही है अभी और पहले की जो ट्रेडिशनल है वैसे ही चलते आ रही है, इससे हट के हमें थोड़ी सी इसमें इम्प्रूवमेंट रिफॉर्म की ज़रूरत है, उसकी बात कर रहे हैं। और वुमेन लेड डेवलपमेंट, ऐसा डेवलपमेंट जो लड़कियाँ लीड करें, औरतें लीड करें, वुमेन लीड करें, ऐसी हमारी डेवलपमेंट की मांग है। तो देखिए, ये चीज़ें रहा हमारी थीम हमारा देश का, और आगे हम देखेंगे जो अभी जनवरी से लेकर और फरवरी के बीच में बहुत सारे समिट हुए हैं एग्रीकल्चर पे, कल्चर पे, एग्रीकल्चर फंड पे, हम तो वो डिफरेंट उसके नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड पार्ट में हम पूरी की पूरी लेकर आएंगे, अभी तक फरवरी में हमारा किस तरह से डेवलपमेंट हुआ है। और ऐसे भी देखिए, जो पिछला वीडियो था BPSC के लिए जो हमने डाला था, देखिए कितना अच्छा गया, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से आए हैं, तो अच्छा लगा, लोगों ने बोला कि सर आपके वीडियो से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास हमें मिला, वहाँ से मैच हुआ जो पढ़े हुए थे, तो अच्छा इनकरेज लगता है, अच्छा चीज़ है। और ये UPSC की तैयारी के लिए है स्पेशल, आप पूरी की पूरी मैं सीरीज लेकर आया हूँ जब तक UPSC के पेपर है, तो इसको देखते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब एंड लाइक करते रहिए। जय हिंद।